नमस्कार फ्रेंड्स, एसआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले राष्ट्र फिल्म पुरस्कार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम बिना देरी किए वो स्टार्ट करते हैं राष्ट्र फिल्म पुरस्कार। राष्ट्र फिल्म पुरस्कार की बात की जाए तो यह थे 67वें राष्ट्र फिल्म पुरस्कार। की घोषणा कहाँ से की गई है? नई दिल्ली से। कहाँ से की गई है? नई दिल्ली से। यह जो पुरस्कार थे वर्ष 2019 की फिल्मों के लिए दिए गए हैं, और ये जो पुरस्कार थे ये 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 के बीच में भी जो फिल्में बनी हैं उनके लिए दिए गए हैं। और ये जो फिल्म समारोह है, ये फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है, और ये जो है ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है। कौन? फिल्म समारोह निदेशालय। इसके बाद बात करते हैं तो राष्ट्र फिल्म पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत के काफ़ी पुराने पुरस्कारों में से, जो सन 1954 से दिए जाते हैं। कब से दिए जाते हैं? सन 1954 से। इससे आगे बात करते हैं अब हम 67वें नेशनल अवार्ड के विजेताओं की। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। क्या? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट यहाँ पर हमारा हो जाता है सिक्किम। यहाँ पर सिक्किम की बात आई तो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है वो प्रेम सिंह तमांग, ये आप देख सकते हैं। और सिक्किम के राज्यपाल, है गंगा प्रसाद, ये गंगा प्रसाद। और सिक्किम की राजधानी यहाँ पर हो जाती है गंगटोक। और सिक्किम में याद हो तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब इससे आगे बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। कौन सी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म? ये यहाँ पर है मरक्कम, मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, ये जो है मलयालम मूवी है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद है बेस्ट बुक ऑन सिनेमा। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा ये है अ गांधीयन अफेयर। कौन सी? अ गांधीयन अफेयर। और इसके जो राइटर है वो है संजय सूरी। इसके राइटर कौन है? संजय सूरी। और ये है अ गांधीयन अफेयर, अ गांधीयन अफेयर बुक। चलिए इससे आगे बात करते हैं तो अब आती है बेस्ट एक्टर की बात। तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो मिला है मनोज वाजपेयी को भोसले के लिए, और धनुष को असुरन के लिए। इन दोनों को मिला है, ये है असुरन के लिए मिला है धनुष को, और यह है भोसले के लिए मिला है मनोज वाजपेयी को। बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है कंगना रनौत को, ये मिला है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए और पंगा के लिए, मणिकर्णिका और पंगा के लिए। चलिए इससे आगे बात करते हैं हम तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला विजय सेतुपति। विजय सेतुपति को मिला है, इनकी मूवी है सुपर डिलक्स, सुपर डिलक्स के लिए मिला है विजय सेतुपति को। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ये मिला है पल्लवी जोशी को द ताशकंद फाइल्स के लिए, यह पल्लवी जोशी। और ये जो मूवी है द ताशकंद फाइल्स, ये लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर फिल्माई गई है। अगला बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, तो ये मिला बारदो मराठी मूवी को। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, ये मिला है बी प्राक को। और ये किसके लिए मिला? ये केसरी फिल्म के लिए मिला है, तेरी मिट्टी में मिल जाऊँगा जो सॉन्ग है उसके लिए मिला है बी प्राक को। और बेस्ट डायरेक्शन का मिला है बेहतर हुरे मूवी के लिए संजय पूरन सिंह को। किसको मिला है? संजय पूरन सिंह को। और ये है संजय पूरन सिंह। इससे आगे बात करते हैं डायलॉग राइटर, तो बेस्ट डायलॉग राइटर का मिला है द ताशकंद फाइल्स, ये है द ताशकंद फाइल्स हिंदी मूवी, इसको मिला है बेस्ट डायलॉग राइटर का। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का मिला है जल्लूकट्टू, ये मलयालम मूवी है, ये है जल्लूकट्टू। और अडोप्टेड स्क्रीन प्ले का मिला है गुमनामी को, ये जो गुमनामी मूवी है ये सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है। और बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का मिला है कस्तूरी,
कस्तूरी को, ये हिंदी मूवी है कस्तूरी, इसको मिला बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड। चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं, तो अब है प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्में, अलग अलग भाषा की अलग अलग सर्वश्रेष्ठ फिल्में। यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए तो बेस्ट हिंदी फिल्म, यह है छिछोरे। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को मिला है बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड, और इसके जो डायरेक्टर वह नितेश तिवारी। कौन है? नितेश तिवारी, छिछोरे मूवी के नितेश तिवारी इसके डायरेक्टर हैं। उसके बाद बेस्ट हरियाणवी फिल्म, बेस्ट हरियाणवी फिल्म कौन सी है? छोर या छोरों से कम नहीं। कौन सी? छोर या छोरों से कम नहीं, और ये देख सकते हैं यहाँ पर, यह है बेस्ट हरियाणवी मूवीज। और बेस्ट छत्तीसगढ़ी मूवी, बेस्ट छत्तीसगढ़ी मूवी का मिला भूलान द मैच, भूलान द मैच देख सकते हैं, भूलान द मैच। इसके बाद बात की जाए तो बेस्ट तेलुगु फिल्म, बेस्ट तेलुगु फिल्म का मिला है जर्सी को। किसको? जर्सी को बेस्ट तेलुगु फिल्म का। बेस्ट तमिल फिल्म है असुरन, ये असुरन, ये धनुष के, इनको मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। उसके बाद बेस्ट मराठी फिल्म है बारदो। कौन सी? बारदो। इसके बाद बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म की, तो सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म है यहाँ पर रब द रेडियो, सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म है रब द रेडियो। इसके बाद बेस्ट बंगाली फिल्म है गुमनामी, ये सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है गुमनामी। तो ये थे आपके राष्ट्र फिल्म पुरस्कार, तो आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आए होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।